आज 14 सितंबर है, दिन शनिवार। आज हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। सच तक के पूरे टीम की तरफ से आप तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस खास बुलेटिन में आपको बताएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरों के बारे में जो आज पूरे दिन बिहार में सुर्खियों में रही। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस खबर से जो बिहार की सियासत में पिछले 24 घंटे से भूचाल खड़ा कर चुकी है। कल देर शाम आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पटना में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें सीधे सीधे उन्होंने निशाना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साध लिया। इससे पहले दिन में बिहार सरकार में मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी ने उस्काने वाला बयान दिया था। जगदानंद सिंह ने कहा कि 17 महीने की महागठबंधन सरकार का मुख्यमंत्री बने रहने के लिए नीतीश कुमार ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के सामने हाथ जोड़ा था, माफी मांगी थी, अनुनय किया था, विनय किया था, तब जाकर राजद और उसके सहयोगी नीतीश के नेतृत्व में 17 महीने की महागठबंधन सरकार में लौटे थे। यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री। इस पूरे खबर का एक अन्य पहलू भी हम आपको समझाएंगे इसी बुलेटिन में। अब तक आरजेडी नीतीश कुमार पर सीधे सीधे हमला करने से बच रही थी, राजद के निशाने पर बीजेपी थी, बीजेपी के नेता थे, आरक्षण था, जातीय सर्वे रिपोर्ट थी और कई सारे अहम मुद्दे थे जिसको लेकर आरजेडी बीजेपी पर वार कर रही थी। अब नीतीश कुमार पर वार क्यों हो रहा है तो ये हम आपको पूरे विस्तार से बता देते हैं। पिछले सप्ताह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना आए थे। पटना और बिहार में कई जगह कार्यक्रम थे। उसी कार्यक्रम के दौरान पटना के आईजीएमएस में नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा को यह भरोसा दिलाया कि दो बार गलती हो गई है, तीसरी बार गलती नहीं होगी। ये गलती क्या थी? राजद के साथ, महागठबंधन के साथ जाने को लेकर था। नीतीश ने खुले मंच से बड़ी सफाई दे दी, कहा अब साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। दूसरे दिन भाजपा के कई बड़े नेताओं ने मीडिया में खुलकर ये बयान दिया कि नीतीश कुमार सच में विकास पुरुष है और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी। तब तक आरजेडी को लग रहा था कि जातीय जनगणना रिपोर्ट पर जो बवेला खड़ा हो गया है, पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की जो डिमांड है विपक्ष की, इस मुद्दे पे नीतीश वापस लौटेंगे, दबाव की राजनीति केंद्र पर बनाएंगे, क्योंकि इस बार केंद्र में भाजपा अल्पमत में है, सहयोगियों के सहारे है और ऐसे में नीतीश के पास दर्जन भर सांसद हैं, तो नीतीश बड़ा दबाव बना सकते हैं और अंततः नीतीश आरजेडी यानी महागठबंधन के पाले में लौट सकते हैं। पर नीतीश कुमार ने जब खुले मंच से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बात की गारंटी दे दी कि अब नहीं भागेंगे, पलटी नहीं मारेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद आरजेडी ने अपने आगे की रणनीति बनाई। राजद के जो बिहार में सीएम के चेहरा है तेजस्वी यादव 10 सितंबर से यात्रा पर निकले हुए हैं। 7 दिवसीय प्रथम चरण की यात्रा है। फिलहाल मधुबनी के इलाके में घूम रहे हैं। ये सारे कार्यक्रम जो है नीतीश के बयान के बाद इनकी रणनीति में परिवर्तन कर दिया गया। अब आरजेडी को लग रहा है कि नीतीश कुमार वापस नहीं लौटेंगे, उनके दल में बहुमत बीजेपी के साथ रहने को लेकर है। पर राजनीति में संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती है। इसी को लेकर कल जगदानंद सिंह ने बड़ा मोर्चा खोल दिया, नीतीश कुमार के बारे में बहुत कुछ कहा जो चीज है आज तक आरजेडी का कोई नेता नहीं कह रहा था। अब आरजेडी ने मोर्चा खोला तो आज उस पर जवाब देने के लिए जदयू ने अपने प्रवक्ताओं को उतारा। नीरज कुमार सामने आए, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए। राजीव रंजन पहली बार पटना में राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने के बाद मीडिया के सामने थे, उन्हें केसी त्यागी की जगह पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। नीरज कुमार ने सिलसिलेवार ढंग से समझाया कि राजद के नेता झूठ बोल रहे हैं, राजद के नेता जो हैं वो बिहार की जनता को बरगला रहे हैं, नीतीश कुमार के रहमो करम पर दो बार उप मुख्यमंत्री बनने वाले लोग झूठ का बड़ा चिट्ठा लिए घूम रहे हैं। बहुत कुछ कहा नीरज कुमार ने, यानी आज जो कल आरजेडी की तरफ से बड़ा वार हुआ था आज उस पर जदयू ने पलटवार किया।
बाकी पार्टियां खामोशी से देखती रही। लेकिन इसी बीच दूसरी बड़ी खबर आ गई कि बिहार में निगम बोर्ड का गठन शुरू हो गया और सबसे पहले बाल संरक्षण आयोग के लिए सूची निकाल दी गई। इसमें जदयू और भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं को जगह दी गई। इसमें कई सारे ऐसे नाम थे जो चौंकाने वाले थे। पार्टी बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और पुराने नेताओं में शुमार राकेश कुमार सिंह को बाल संरक्षण आयोग का सदस्य बनाया गया है। राकेश कुमार सिंह एमएलसी पोस्ट के लिए कई बार से संभावित नाम समझे जा रहे थे। साथ ही साथ डॉक्टर सुग्रीव को भी इसका सदस्य बनाया गया है। वे बिहार के भाजपा के अंदर में एक पढ़ा लिखा बड़ा दलित चेहरा माने जाते हैं। महिलाओं को भी स्थान मिला है। जदयू से भी हुलास मांझी को इसमें शामिल किया गया है। बाकी निगम बोर्डों की सूची भी आशा है कि आज देर रात या कल सुबह तक सामने होगी, जिसमें जदयू और भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को तरजीह दी गई है। इसमें हम सेकुलर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और लोजपा का एक भी सदस्य अभी तक जो सूची आई है उसमें शामिल नहीं है। तीसरी खबर जिसकी चर्चा करेंगे, ये तीसरी खबर जो है तेजस्वी से ही जुड़ी हुई है। तेजस्वी ने मधुबनी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और वहां पर उन्होंने एक नया राजनीतिक सिगुफा छोड़ दिया, जिसे आप वोट की राजनीति भी कह सकते हैं। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। मिथिलांचल इलाके में अलग मिथिला राज्य बनाने की मांग हो रही है। लेकिन तेजस्वी ने मधुबनी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आजादी के बाद मिथिलांचल के इलाके के साथ सच में नाइंसाफी हुई है। यहाँ बेहद गरीबी है, यहाँ रिसोर्स की कमी है। ऐसे में उनकी सरकार अगर 2025 में बनती है तो मिथिला डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करके वे एक कमिटी बनाएंगे, एक बोर्ड बनाएंगे जो मिथिला के विकास के लिए काम करेगा। MDA उसका नाम उन्होंने बताया। और उसके बाद भाजपा के कई नेता सामने आए, उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी 15 साल आपके माता पिता की सरकार थी, 17 महीने तक आप उप मुख्यमंत्री थे, उससे पहले भी उप मुख्यमंत्री थे, पर आपको मिथिलांचल की याद नहीं आई। जैसे चुनाव आया आपको मिथिलांचल याद आने लगा। आपको बताना चाहिए कि आज मिथिलांचल में कई सारे उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, वहां के लोगों को एयरपोर्ट मिल चुका है, एम्स मिल चुका है और कई सारी योजनाएं मिली हैं, वो किसकी देन है। ऐसे में राजनीतिक सिगुफा छोड़ना कहीं राजद को भारी नहीं पड़ जाए। लेकिन फिलहाल तेजस्वी की यात्रा जो है अब मुजफ्फरपुर की तरफ रुख करेगी। 7 दिनों तक यानी 10 तारीख से शुरू ये यात्रा 16 तारीख को समाप्त होगी मुजफ्फरपुर में। ये प्रथम चरण की यात्रा होगी। ये खबर भी आज सुर्खियों में रही और इस खबर पर सबका ध्यान गया। इस खबर को लेकर दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा, पर आज शनिवार होने के कारण कई राजनीतिक कार्यक्रम जो थे काफी सीमित मात्रा में थे। जदयू के तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, भाजपा में केंद्रीय मंत्री की प्रेस वार्ता देर शाम आयोजित की गई जो बिहार में खाद्यान्न को लेकर है। कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है अपनी विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाना चाहती है और जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं लोगों को ये बताने की कोशिश में है कि अगर उनकी सरकार आई तो वो तमाम काम होंगे जो जनता की चिर प्रतीक्षित मांग है। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हो गया है। लोग जगह जगह इसके विरोध में उतर गए हैं। बिजली कंपनियों के ऊपर अब दबाव पड़ने लगा है। यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। सारण से लेकर चंपारण तक में बड़ा जन आंदोलन बना हुआ है। सभी पार्टियों के नेता इस पर खुलकर बोल रहे हैं। तेजस्वी ने इसी मुद्दे को समस्तीपुर में उठाया था और कहा था कि 2025 में अगर हमारी सरकार आती है तो हम बिहार के लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अब इसी मुद्दे को प्रशांत किशोर भी अपना चुनावी मुद्दा बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्मार्ट है नहीं, लोगों को खाने का पैसा है नहीं, 2 जून की रोटी मिलती नहीं है और ऐसे में बिजली कंपनियों को कमाने के लिए स्मार्ट मीटर देना इस गरीब प्रदेश में कहां तक उचित है। यह जनता के साथ छल है और इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। ये तमाम खबरें आज बिहार में सुर्खियों में रही। हम आपके साथ बने रहेंगे और कल फिर आएंगे और आपको बताएंगे दिन भर की वे तमाम बड़ी खबरें जो बिहार में रही सुर्खियों में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।